एफ और एस की जोड़ी कैसी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन अफराद का नाम एफ और एस से शुरू होता है वो कैसी अदाद के मालिक होते हैं, उनकी शख्सियत और मिजाज कैसा होता है। इस जोड़ी को अपने आपस के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में आसानी के लिए अल्लाह पाक का कौन सा इसमें बारिक पढ़ना चाहिए, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बेहद दिलचस्प होगी। मगर इससे पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप कहीं भी रिश्ता करने से पहले इस्तखारा करवाना चाहते हैं कि लड़की और लड़के का आपस में मिजाज, सितारे, शख्सियत और अदाद मैच करती हैं या नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रابطہ कायम करें। इसके अलावा इस चैनल पर हम वज़ाइफ, दुआ और तावीज़ात की वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रابطہ करें। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। ऐसे लोग जिनका नाम हर्फ एफ से शुरू होता है वो नेचर के एतबार से मुस्बत सोच के मालिक होते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों को लेकर अच्छा ही सोचते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों का रवैया दूसरों के साथ काफ़ी मुखलसाना होता है, इसलिए दूसरों का दिल जीतने में माहिर होते हैं। जबकि इनमें से बाज़ थोड़े संजीदा तबीयत के भी होते हैं और ज़्यादा वक्त तन्हा रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इन्हें घमंडी भी तसव्वुर किया जाता है। ऐसे लोग जिनका नाम एस से शुरू होता है इनमें से ज़्यादातर काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अगर एस नाम की ख़वातीन की बात की जाए तो इनमें से ज़्यादातर ख़वातीन अपनी खूबसूरती की वजह से एक मुनफरद कशिश रखती हैं। नेचर के एतबार से एस नाम के ज़्यादातर लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, जबकि इनमें से बाज़ थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, जो ज़रा ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ेपन का इजहार कर देते हैं। रुपये पैसे के मामले में ये काफ़ी शाह खर्च होते हैं और ज़्यादातर पैसा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में ही खर्च करते हैं। अगर हम बात करें एफ़ और एस की जोड़ी की, तो अगर एफ़ नाम के मर्द और एस नाम की ख़वातीन हों तो ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट हम सफ़र साबित होते हैं, क्योंकि ये दोनों मोहब्बत करने वाले होते हैं और एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर चलते हैं। जबकि बास एस नाम की ख़वातीन के मिजाज में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जबकि बाज़ एफ नाम के मर्द थोड़े गर्म मिजाज के होते हैं और इनका ये मिजाज कभी कभार इनके दरमियान बेवजह की बहस का सबब बन जाता है। दूसरी तरफ अगर एस नाम के मर्द और एफ नाम की ख़वातीन हों तो ये एक शानदार जोड़ी साबित होती है, क्योंकि इनका ज़्यादातर वक्त एक दूसरे की केयरिंग और एहसास में गुजरता है। ये हर सूरत हाल को एक दूसरे के साथ निभाते हैं और एक मजबूत रिश्ता इस्तवार करते हैं, लेकिन कभी कभार इनके दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक हो जाती है। लिहाजा अगर एफ और एस दोनों मियाँ बीबी अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं और एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या दोनों में से कोई एक अपने जीवन साथी के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत पैदा करना चाहता है, तो रोज़ाना ये इस्मे आज़म या फताहू या सबूरू 394 मरतबा पढ़े। अगर दोनों इस इस्मे आज़म को बताई गई तादाद के मुताबिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दोनों में जल्द इज्जत और मोहब्बत परवान चढ़ेगी। नाज़रीन, ये था एफ और आर की जोड़ी की शख्सियत के बारे में मुख्तसर सा अंदाज़ा, जो ज़रूरी नहीं कि 100% ठीक हो, गलत भी हो सकता है। आपके ख्याल में हमारा ये अंदाज़ा कितने फ़ीसद दुरुस्त है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा अगर आप मज़ीद किसी भी जोड़ी के आपस में मिजाज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल की होम पेज पर लगे सर्च आइकन पर क्लिक करके मतलूबा जोड़ी के नाम के पहले हरूफ लिखकर एंटर करें तो आपकी मतलूबा वीडियो सामने आ जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।